नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी त्रिपाठी। 12वीं के स्कूल टॉपर छात्रों को भी मिलेगी ई स्कूटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के हर हायर सेकेंडरी 12वीं स्कूल में टॉपर छात्राओं के साथ छात्रों को भी ई स्कूटी देने की घोषणा की। मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में उन्होंने कहा, इस साल हम 12वीं के 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। हायर सेकेंडरी 12वीं में जो बेटी स्कूल टॉपर होगी उसे ई स्कूटी दी जाएगी। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि अब बेटों को भी दे डालूं। हम यह तय करते हैं कि हर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर छात्र को भी ई स्कूटी दी जाएगी। सीएम ने रविंद्र भवन में 10वीं 12वीं के टॉपर्स और सिलेक्टेड मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, पहले रुक्स के बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते थे, अब हमारे 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 2020 में 38, 21 में 39 और इससे भी 3 साल पहले देखे तो 15 से 20 का औसत रहता था। प्रतिभा गांव शहर अमीरी गरीबी नहीं देखती है। जीवन में बड़ा करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लो। एक चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लेकर आज दुनिया में भारत की जय जयकार करा रहे हैं। यूपीएससी में 26वीं रैंक लाने वाली गुंजिता अग्रवाल ने कहा, मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स की सक्सेस के पीछे 3 पिलर होते हैं। पहला माता पिता, दूसरा स्कूल और कॉलेज, तीसरा कम्युनिटी। मुख्यमंत्री भोपाल को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाने की घोषणा की। आप सभी इसका हिस्सा बनिए, खूब पढ़िए, सक्सेस जरूर मिलेगी। गुंजिता अग्रवाल भोपाल से हैं। यूपीएससी में 47वीं रैंक लाने वाली संस्कृति सोमानी ने कहा, मैंने एग्जाम की तैयारी बदनवार धार से की है। जो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं मूल मंत्र देना चाहती हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद। यदि आप भी सतना स्टार न्यूज की सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को 100 लोगों से सब्सक्राइब कराकर दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजें और आकर्षक इनाम पाएं।